हमारा दर्पण। जब नेत्र खुलेंगे तो हम दोबारा अपने साम्राज्य में होंगे। ये तो हमारा त्रिगर्तला नहीं है, इसका अर्थ है वो हमारा दर्पण नहीं था, कहीं और मिल जाएगा। ये कोई मैनर्स है? आईने ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसका पैसा क्या तेरा बाप भरेगा? टाइम पास के लिए तोड़ दिया। ए, तेरे से बात कर रहा हूँ और तू खुद को नहीं हारने चला गया? ये भी वो दर्पण नहीं था। तू डाला? ये भी क्या? पागल है क्या? हे मायावी दर्पण, कहाँ ढूंढू तुझे? आज किसकी शक्ल देख के उठा? एक यही कांच बाकी है। गया बारह के बहाव से। मैडम अभी पूछताछ करने में बिजी हैं। आपको बाद में कॉल करेंगी, समझा कीजिए ना। थर्ड डिग्री चालू है, तोड़ने वाली इंक्वायरी, उनसे कह दूंगा। ओके ठीक। ये आदमी खुद भी एक टॉर्चर है, इसकी उम्मीदें हिमालय से भी ऊंची है। हमारी रेपुटेशन तो गई खड्डे में। ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक केस तो सॉल्व करके रहेंगे। मेरा प्रमोशन और आपका डबल प्रमोशन। वैसे पूरा डिपार्टमेंट हमारा दुश्मन बना हुआ है और डीजीपी तो जानी दुश्मन है। अब ले देके हमारे पास बस एक ही ऑप्शन है। उगल बिम्बे हमारे साथ आ गया ना तो डिपार्टमेंट ही नहीं पूरे शहर में हमारे नाम का सायरन बजेगा। लेकिन उसे ढूंढेंगे कैसे? वो आइटम कुछ अलग ही है। वही तो, किस्मत से उस दिन हमको एक बार मिल गया था। सोचो अगर खुद चलकर हमसे दोस्ती करने यहाँ आ जाए तो। मैडम टेररिस्ट ने हमला कर दिया क्या? फटाक। इसे भी नहीं छोड़ा, मेरे दुकान के सारे आईने तोड़े, इसीलिए पुलिस स्टेशन लाया। यहाँ के भी सारे आईने तोड़ डाले। आईने से कोई दुश्मनी? मैडम मैंने बोला था ना, किस्मत खुल गई। हेलो, समझ गया। आइए। वो बाहर का शीशा क्यों तोड़ा? हमें अपने राज्य लौटना था। राज्य का कोई नाम भी होगा ना? त्रिगर्तला। अगरतला? महामूर्ख, त्रिगर्तला साम्राज्य। वहाँ जाना है ना, तो कोई बस या ट्रेन पकड़ लो। शीशा तोड़ने का क्या मतलब है? एक दर्पण तोड़कर ही हम यहाँ आए थे। ये सटका हुआ है, जरूर कोई आईना इसके सर पर गिरा होगा जिससे ये पागल हो गया। आप जरा रुकिए। हेलो महाराज, एक राज की बात बताऊं क्या? मैं भी एक दर्पण तोड़कर यहाँ पर पहुँचा हूँ। तुम किस राज्य से हो? तुम त्रिगर्तला से हो तो मैं धोबी तलाव से हूँ। हमने उस राज्य पर आक्रमण क्यों नहीं किया? कुछ दिन मेरे साथ रहो, फिर आईना तोड़कर मेरे देश में आ जाना और वहाँ से अपने राज्य में चले जाना, फिर अपने घोड़े हाथी लेकर मेरे राज्य पर आक्रमण कर देना। तो इस मूर्ख में भी थोड़ी बुद्धि बची है। अरे सोचना वोचना छोड़ो, जल्दी से हाँ कह दो। तुम्हारे साथ रहा तो मायावी दर्पण दिखाओगे? अरे मायावी दर्पण के साथ मायावी ड्रेसिंग टेबल, मायावी टेलकम पाउडर, मायावी लिपस्टिक लगा के एकदम चिकना बनकर अपने राज्य में सीधे लौट जाना। पहले मेरे साथ चलो ना। मैडम आप आइए ना, पहले इसका हुलिया और ड्रेसिंग सेंस बदलना पड़ेगा। ए प्रसाद, और कितनी देर लगेगी? आता ही होगा। इसे पहनकर तो दिन भी रात जैसा दिखने लगता है। दिन से ज्यादा रात का अंधेरा पसंद है मुझे। अब यहाँ का काम खत्म हो गया बिम्बी सर, इसे घूरना बंद करो, चलो। यहाँ पर मौजूद सभी अतिथि गण का तहे दिल से स्वागत करते हैं। अपने चैरिटी के कामों के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वालों को आज हमारे फाउंडेशन की ओर से मिनिस्टर साहब सम्मानित करेंगे। वाहन यहाँ क्यों रोक दिया? यहाँ अंदर एक छोटा सा कार्य है, 5 मिनट में आ जाऊंगी। आप इस वाहन में ही बैठे रहना। अब मैं आमंत्रित करूंगी देश के मशहूर धनवंतरी हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर सुब्रमण्य शास्त्री को। चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने बहुमूल्य योगदान दिया है। नमस्ते। नमस्ते सर। ऑनरेबल मिनिस्टर एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर टुनाइट। इस सम्मान को पाकर मैं बहुत खुश हूँ। आई वुड लाइक टू थैंक आइकन अवार्ड्स फॉर हैविंग मी हियर टुनाइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। इन पेपर्स पर आपके सिग्नेचर चाहिए।
इतना लंबा प्रसाद इसमें कैसे आ गया? हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से एक महान शख्सियत को मंच पर बुलाना चाहूंगी, श्री विश्वनंदन वर्मा जी को। समाज के लिए इन्होंने अनगिनत चैरिटी के काम किए हैं। नमस्ते। नमस्ते। कांग्रेचुलेशन सर। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। ओके सर। जयंती, ओ जयंती, क्या है? ओके, थैंक यू सर। हेलो। आज मुझे जो सम्मान मिला है वो मेरा नहीं, कोई मुझे महान कहे तो गलत होगा, सच कहो तो मैं इस लायक नहीं। ठीक है। महान जैसे शब्द कुछ लोगों के लिए ही बने हैं, जैसे मेरे पूर्वजों के एक राजा श्री 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 बिंबिसार चक्रवर्ती। बिंबिसार? जी हाँ, इज्जत और शोहरत के असली हकदार है बिंबिसार। सुनकर आश्चर्य हुआ, हमारी 40 पीढ़ियां उन्हीं के नाम से जनसेवा कर रही हैं, उनके दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं और आगे भी चलते ही रहेंगे। इतनी पीढ़ियां निकल गई हमारी, पर उनके जैसी शख्सियत कोई नहीं पा सकता। उनका चरित्र हमारे लिए प्रेरणा है। एक राजा के बतौर राजधर्म का पालन और मनुष्य के बतौर मानव धर्म का, उनके बताए मूल्य हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं। उनके स्थापित किए आदर्शों का अनुशासन करना हमारा दायित्व है। उनके वंशज के नाते मेरा सौभाग्य होगा कि उनके जन्मदिन पर यह पुरस्कार ग्रहण करूं। ये हमारा वंशज है। बिंबिसार के वंशज जब भी जिंदा है, शफी उसे पता लगा तो विश्वनंदन से मिलने जरूर जाएगा। उसके घर के पास कोई भी अनजान आदमी देखे तो मुझे तुरंत बताना, समझ गए? ठीक है भाई। क्या हो गया बिंबी? उस वाहन का पीछा करो। कैसे हो सुभैया? मैं अच्छा हूँ। सब तैयारी है? हाँ पापा। नमस्ते सर, आइए।